गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ क्लास, दिस इज़ वनीशा, यूर टीचर ऑफ इंग्लिश फ्रॉम कल्पना चावला विद्यापीठ। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी एंड इन्जॉइंग दिस स्टोरी वेरी वेल। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल। वी हैव स्टार्टेड यस्टरडे, कल हमने बेटा चैप्टर स्टार्ट किया था आपका, चैप्टर नंबर 4 बीरबल्स विट। आपको अच्छा लगा था, क्लास में भी इंजॉय कर रहे थे आप लोग, तो हमने 2 पेजेस किए थे, आगे के 3 और 4 पेजेस करेंगे बेटे। सो लिसन केयरफुली। तो हमने कहाँ तक किया था कि बीरबल को 2 फूल्स मिल जाते हैं। एक फूल तो होता है जो कि अपनी साउंड के पीछे भाग रहा होता है, दूसरा फूल होता है जो कि खुद तो हॉर्स पे बैठा होता है लेकिन जो ग्रास का बंडल होता है वो हॉर्स पे नहीं रख रहा होता, वो उसने अपने हेड पे रखा होता है। अब तीसरे फूल की खोज में निकलता है, तीसरा फूल कौन सा मिलता है जिसने हैंड्स को अपने स्ट्रेच किया होता है, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो। और वो बीरबल को कहते हैं कि मुझे हेयर से पकड़ के बाहर निकालना गटर में से, बट मेरे हैंड्स को टच मत करना। इसके बाद क्या होता है, बीरबल पुल्स आउट द मैन विद हिज हेयर, अटरली सरप्राइज्ड बाय द रिक्वेस्ट। अब उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए, जैसे कि उसने कहा था कि मेरे हैंड्स को टच मत करना, अटरली होता है कि बिल्कुल उसकी जैसे उसने बोला था वैसे ही उसकी बात को मानते हुए बीरबल ने उसके हेयर को पकड़ के उसको बाहर निकाल दिया। अब ये आदमी क्या बोलता है उसके बाद, इसके बाद ये जो थर्ड फूल होता है क्या बोलता है, थैंक यू सो मच राजा बीरबल, की राजा बीरबल आपका थैंक यू है। आई वॉन्टेड टू गिव माई कारपेंटर द मेज़रमेंट फॉर अ न्यू कबर्ड, कि मैं कारपेंटर को अपने जो लकड़ी का काम करता है उसको अपने न्यू कबर्ड का मेज़रमेंट देने जा रहा था, जो कि मेरे इस हैंड से लेकर दूसरे हैंड तक था उसका मेज़रमेंट। सिंस आई हैड मेजर्ड द विथ ऑफ द कबर्ड विद माई आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स, आई कुड नॉट मूव देम, कहते क्योंकि मैंने जो कबर्ड का जो विथ थी, चौड़ाई थी, वो अपने ये आर्म से मापी थी, मेज़र की थी फैली हुई आर्म से, तो मैं इसलिए मैं उनको मूव नहीं कर सकता था अपनी आर्म्स को। आफ्टर दैट बीरबल आस्क द मैन टू वेट विद द अदर्स, बीरबल उस थर्ड वाले फूल को भी, दूसरे जो अदर्स थे जो 2 फूल उसको पहले मिले थे, उनके साथ खड़ा होने के लिए बोल देता कि वेट करो यहाँ पे, फॉर ही टू वुड बी टेकन टू द किंग, वो कहता है कि मैं आप तुम्हारे को तीनों को किंग के पास लेके जाऊँगा, किंग आपसे मिलके बहुत खुश होंगे। आफ्टर दैट बीरबल नाउ फाउंड हिमसेल्फ नियर द रिवर, तो वो जा रहे होते हैं तो बीरबल खुद को अपने रिवर के पास पाता है कि रिवर के पास वो पहुँच गए हैं। ही सा अ मैन सर्चिंग फॉर समथिंग इन द सैंड, वो देखते हैं कि आदमी देखो उसमें सैंड में कुछ ढूंढ रहा है, ये देखो ये आदमी है ना यहाँ पे, ये सैंड में कुछ ढूंढने लग रहा है, फाइंड आउट कर रहा है ये। वट आर यू लुकिंग माई फ्रेंड, बीरबल उसको कहता है कि तुम यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो। अब वो आदमी क्या बोलता है, आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स एंड माई रिंग हेयर बिफोर आई वेंट टू टेक ए बाथ, कि मैं नहाने से पहले अपने कपड़े यहाँ पे रख के गया था और रिंग यहाँ पे रख के गया था। दो आई हैव फाउंड माई क्लोथ्स, क्योंकि मैं अपने क्लोथ्स तो मुझे मिल गए हैं, आई कांट फाइंड माई रिंग एनी वेयर, कि लेकिन मुझे अपनी रिंग नहीं मिली है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। अब इसके बाद बीरबल उसको कहते हैं कि डिड यू नॉट कीप एनी मार्क ओवर द बिलोंगिंग, क्या तुमने कोई मार्क नहीं लगाया था जहाँ भी अपना सामान रखा था नहाने जाने से पहले, कोई मार्क तो लगाया होगा ना निशानी के तौर पे कि ताकि तुम वापस आओ तो तुम्हें आराम से वो मिल सके। तो वो क्या बोलता है, फोर्थ फूल, देयर वॉज ए क्लाउड राइट ऑन दी टॉप ऑन माई बिलोंगिंग्स बट इट इज़ नाउ वेयर टू बी सीन नाउ, वो कहते हैं कि जब मैं गया था तो जहाँ पे मैंने अपना सामान रखा था उसके ऊपर एक क्लाउड था, एक बादल था, लेकिन अब वो बादल यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये तो आपका ये वाला पेज था, अब लास्ट पेज है बेटे आपका, लिसन केयरफुली। बीरबल इज हैप्पी टू हैव फाउंड द फोर्थ फूल, टुगेदर दे स्टार्ट टुवार्ड्स द किंग कोर्ट, कि बीरबल को चौथा फूल भी मिल गया था, अब वो किंग के कोर्ट की तरफ जा रहे थे।
अब किंग क्या कहते हैं अकबर उनको, हैव यू मैनेज टू गेट हाफ अ डजन फूल्स बीरबल, कि बीरबल क्या तुम जो मैंने तुम्हारे को 6 फूल्स लाने को कहा था क्या तुम वो ले आए हो। अब वो बीरबल क्या कहता है, येस यूर मैजेस्टी हेयर दे आर, कि हाँ किंग कि मैं यहाँ पे ले आया हूँ ये रहे ये। अब वो चारों को दिखा रहे हैं, फर्स्ट सॉरी ये वाला फर्स्ट होता है जो आवाज़ के पीछे भाग रहा होता है, ये सेकंड होता है जो कि हॉर्स पे बैठा होता है, थर्ड ये होता है जिसने अपनी आर्म्स को स्ट्रेच कर रखा होता है, चौथा ये होता है जो कि क्लाउड को ही निशानी मान रहा था, जो अपनी रिंग ढूंढ रहा था। अब बीरबल उसको बताता है बीरबल नरेट्स देयर फुलिशनेस वन बाय वन, बीरबल उनकी जो मूर्खता वाली बातें थी वो वन बाय वन किंग को बताता है कि किसने क्या क्या किया था, वो सारी चीज़ एक्सप्लेन करता है। बट दीज आर ओनली 4 एंड आई आस्क टू गेट 6 फूल्स, अब किंग कहते हैं कि ये तो सिर्फ 4 हैं लेकिन मैंने तो तुम्हारे को 6 फूल्स लाने को कहा था कि मुझे 6 फूल्स से मिलना है लेकिन तुम तो बस 4 लेके आए हो। और फिर वो क्या कहता है बीरबल, माई लॉर्ड आई एम द 5th फूल हु लेफ्ट ऑल माई वर्क एंड वेंट आउट इन सर्च ऑफ फूल्स, कि 5वां फूल मैं हूँ जो कि अपना सारा काम छोड़ के इन मूर्खों की तलाश में गया, क्योंकि हर किसी को बहुत से काम होते हैं। तो बीरबल क्या कहते हैं कि 4 फूल तो ये हैं और 5वां फूल मैं हूँ जो कि अपने सारे काम छोड़ के इन 4 फूल्स की, इन मूर्खों की तलाश में गया। एंड पार्डन मी, वो पहले ही माफ़ी मांग रहा है, पार्डन मी का मतलब माफ़ करना, बट यू आर द 6th फूल, लेकिन आप 6th फूल हो, यू हु सेट मी आउट ऑन ए सच टास्क, जिसने मुझे ये मूर्खता वाला काम करने को दिया। किंग अकबर लाफ्ड हार्टली एट बीरबल्स विट एंड रिवॉर्डेड ईच फूल विद ए गोल्ड कॉइन, अब बीरबल अकबर क्या करता है वो दिल से खुश हो जाता है और हंसने लग जाता है बीरबल की बातों के ऊपर, और वो हर जो फूल होते हैं, जो 4 फूल वो इकट्ठे करके लाया होता है, उनको एक एक गोल्ड कॉइन दे देता है। तो ये आपकी स्टोरी थी बेटा, होप यू एंजॉयड दिस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।